बात कर दिया। इनके सिर्फ दो ही अनमोल रतन है, एक है अडानी और एक है अंबानी। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देश तो खतरे में है ही, हमारा जो देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को लिखकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपे थे, और उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब हो लेकिन उसको चलाने वाले लोग अच्छे हो तो देश का संविधान अच्छा साबित होगा। अगर किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको चलाने वाले लोग खराब हो तो देश का संविधान खराब साबित होगा। साथियों, 70 साल कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश का संविधान सुरक्षित रहा, अनुसूचित जात के अधिकारों की सुरक्षा हुई, नौकरियां लगी, आरक्षण मिला, सब कुछ हुआ, पंचायती राज भी लागू हुआ, लेकिन आज देश का संविधान बेईमानों के हाथ में चला गया है। आज देश का संविधान खतरे में है। मैं कांग्रेस पार्टी में किस लिए आई? क्योंकि देश की नंबर वन की पार्टी कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के संविधान की सुरक्षा कर सकती है। मेरा निवेदन आप लोगों से है कि 30 तारीख को जब वोटिंग हो तो आप दिखा देना, क्योंकि मुझे पता चला है कि 25 तारीख से इनकी तिजोरियां खुलने वाली है, 25 तारीख से इनकी तिजोरियां खुलने वाली हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इंसान की कीमत करोड़ों रुपए है, एक इंसान की कीमत करोड़ों रुपए है, इंसान बिकता नहीं, उसकी आँख, किडनी, लीवर, सब कुछ, खून, हड्डी, सब करोड़ों रुपए से ऊपर होता है, लेकिन ये हमारी कीमत क्या लगाते हैं? 200 रुपए एक पौवा दारू, मुर्गा, मतलब हम जानवर हो गए। कीमत तो जानवरों की लगती है, बकरे और मुर्गे की लगती है, सब्जी और भाजी की लगती, इंसान की नहीं लगती। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मजबूत कर लीजिएगा, अपने आप को बिकने से रोक लीजिएगा, मजबूत कर लीजिएगा, भरजुना माई के दरबार में तय कर लीजिएगा। और आज मैं आपके सम्मान में एक लाइन कहना चाहती हूँ, कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतनी मजबूत कर लो और रजा विधानसभा 30 तारीख को 20,000 वोट से जिता कर दो तो शिवराज सिंह साहब तुम्हारे दरवाजे फिर आएंगे पूछने कि बताओ काम करना क्या है। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, धन्यवाद दूंगी, मुझे बोलने का मौका मिला। और मैं जय भीम, जय भारत और जय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ।